राम राम दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में जो भाई लोग मेडिकल कंप्लीट कर लिया, जो घर में बैठे हैं, जो भाई लोग टेंशन कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में आज बताऊंगा एसएससी जीडी 2023 में जॉइनिंग डेट कब हो सकता है, फिर जॉइनिंग में आप लोगों का फिर से मेडिकल होगा, और मेडिकल होगा तो फिर रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, ठीक। और जॉइनिंग जब करोगे तब आप लोगों का कितना दिन मतलब ट्रेनिंग होगा, कितना महीना, फिर मिडिल में मिड टर्म ब्रेक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, स्किप मत करो, ठीक है। और मेरा इस चैनल में आप लोग जो जो भाई वीडियो देख रहे हो, आपका थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों का फ्रेंड लोगों भी हेल्प हो सकता है। तो मैं जो भी जानकारी देंगे अपना खुद का एक्सपीरियंस से और सही सही जानकारी दूंगा इस चैनल में, तो आप लोगों का थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा और कोई भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ सैलरी के बारे में, जो कुछ भी बारे में आप लोगों का जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो आप लोगों को बता ही दिया क्या क्या वीडियो में बताऊंगा, तो अभी बता रहा हूँ। तो आप लोग जब ज्वाइनिंग करोगे तब डॉक्यूमेंट्स पूरा ठीक ठाक लेके जाना, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया पहला वीडियो में, तो वीडियो देख के आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयारी करके रखना, ठीक है। तो जब ज्वाइनिंग डेट जल्दी आ जाएगा, जैसे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा एक डेढ़ महीने में, और आप लोगों का इस साल का लास्ट में आप लोगों का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल आप लोगों का अभी से घर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उधर ट्रेनिंग में दिक्कत ना होगा। तो फिर सेकंड आप लोगों का ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग आप लोगों का टोटल महीना होगा 11 महीना, ठीक है, एक साल ही लगभग हो जाता है। तो 11 महीने में आप लोगों का मिडिल में मिड टर्म ब्रेक कितना मिलेगा पहले बोला था, तो आप लोगों का 15 दिन से 17 दिन, ऐसा 15 दिन मिलेगा, ठीक है, आप लोगों का मिड टर्म ब्रेक जैसे आप लोगों का मिल जाएगा। हम लोगों को नहीं मिला था कोरोना के वजह से, ठीक है, हम लोग 11 महीना लगातार किया फिर छुट्टी गया था, आप लोगों का मिल जाएगा अभी 15 दिन मिड टर्म ब्रेक मिडिल में, जैसे 4.5 महीना 5 महीना ख़त्म करने के बाद आप लोगों का मिड टर्म ब्रेक ख़त्म करके फिर से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा टोटल 11 महीना। फिर आप लोगों का बता रहा हूँ ज्वाइनिंग के टाइम फिर से मेडिकल होगा, हाँ होगा भाई मेडिकल होगा, फिर मेडिकल में रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, क्या क्या चेक होगा भाई लोग, सब कुछ चेक करेगा A to Z, आई से लेकर डिस्टेंस, कलर विजन, ठीक है, वेरिकोज वेन और पर्सनल पार्ट्स सब कुछ चेक करता है, ठीक है। तो आप लोगों का चेक करेगा तो उतना पहला जैसा हार्ड नहीं होगा, वो जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना तब आप जैसे मेडिकल उधर किया था ऐसा मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोगों का जब फौज में ज्वाइन हो जाओगे तब हर साल आप लोगों का मेडिकल कराएगा, ठीक है, ऐसा मेडिकल के लिए टेंशन मत करो, वो आप लोगों का जब ज्वाइनिंग कर लोगे तब उसके हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम चल जाएगा, वो आप लोगों को फिर से थोड़ा नॉर्मल मेडिकल करके ट्रेनिंग कराता है, ठीक है, ट्रेनिंग में बहुत बार ऐसे चेक करते रहता है। तो आप लोगों का एसएससी जीडी में कॉन्फ्यूशन कौन सा में है पॉइंट में, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उस टाइप का वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए आता कि फिर देखता हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, 9K पार हो गया, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप लोगों को भी हेल्पफुल करूँगा वीडियो बना के, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, अपना शरीर को सही सलामत रखो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे फिर एक नौकरी मिल जाएगा, अपना घर भी ठीक ठाक चला पाओगे। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।